हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अदाब मेरी तरफ से रखो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस टाइम मैं खड़ा हूँ जी धर्मपुर हिमाचल में। आज मैं लेके जा रहा हूँ आपको कुठार पैलेस। धर्मपुर से सुबातु वाली रोड पे पड़ता है, उसके लिए पहले आपको चंडीगढ़ से धर्मपुर आना पड़ेगा। धर्मपुर से ये जो रोड पीछे जा रही है मेरे बिल्कुल नीचे से होती हुई, ये सीधा जाएगी कुठार पैलेस। और कुठार पैलेस कोई 800 साल पुराना पैलेस है, मैं तो आज तक वहाँ गया नहीं हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, आपको भी लेके चलता हूँ। दोपहर के 1:30 बज चुका है तो चलते हैं सीधा कुठार। आ जाइए यहाँ से, देखो जी ये धर्मपुर है। धर्मपुर पे आके आपको यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा, ये रोड, ये जो नीचे को जा रही है, सामने वाली रोड चलेगी शिमला को और यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट, ये सीधा जाती है सुबातु कुठार अर्की। तो ये रोड है जी जो सुबातु जाती है, यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। और आप सड़क देखिए, चौड़ी सड़क है, बीच बीच में कहीं ना कहीं गड्ढे हैं लेकिन वो मैनेजेबल है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक व्यू आ रहा है लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, घर वगैरह फार्म हाउस बने हुए लोगों के, हम पूरे प्रॉपर ऐसा फील आ रहा है कि विलेजेस में से जा रहे हैं और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी फाइनली क्रॉस कर रहे हैं जी सुबातु कैंट एरिया है बेसिकली, तो उस वजह से ज्यादा वेल मेंटेन्ड है, अच्छी सड़क है और अच्छी सफाई भी हो रखी है आसपास। ये तो लगी और रहा है ना, फॉरेन व्यू दे रहा है पूरा। ये आ गया गोल चौक सुबातु की, यहाँ से हमने जाना है कुठार। तो ये मार्केट है जी सुबातु की, बस भी आ रही है। यहाँ से 7 किलोमीटर और है कुठार, सड़क देख सकते हैं आप, छोटी लेकिन पक्की, आप देख ही सकते हैं छोटी छोटी सड़कें एंड वेरी वेल मेंटेन्ड पक्की सड़कें पहाड़ों के बीचों बीच। जर्नी बहुत अच्छी है, ड्राइव बहुत अच्छी है। तो ये मेरे राइट साइड पे आ गया जी पाइन ग्रोव स्कूल सुबातु, फेमस स्कूल, यहाँ से नीचे बोर्डिंग स्कूल शिमला हिल्स। हम फाइनली पहुंच चुके हैं जी कुठार, ये आप देखिए कुठार की छोटी सी मार्केट। और अब हम जा रहे हैं पैलेस की तरफ, आपको पैलेस दिखाते हैं कुठार फोर्ट, जिसके लिए आज हम यहाँ आए हैं। ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जी कुठार पैलेस, राइट साइड ऊपर को। तो अब चलते हैं सीधा ऊपर कुठार पैलेस की तरफ। हेरिटेज डेस्टिनेशन है, सामने से कोई ना आए तो आप ये देखिए किस जगह पे आके ये बना है, कितनी खूबसूरत, दूर दुनिया से, ना लेना ना देना, कोई पीसफुल एकदम माहौल। और सड़क भी पूरी स्टीप है ऊपर को, चढ़ाई हमारे लेफ्ट साइड पे है जी कुठार पैलेस। तो ये है जी सारा कुठार फोर्ट मेरे लेफ्ट साइड पे, तो अभी जाएंगे आपको लेके जाते हैं। ये है बेसिकली कुठार, ये भी फोर्ट ही है सारा। यहाँ पे देखते हैं, गाड़ी लगाते हैं, किसी से पूछते हैं। डॉगी प्लीज उठ गया। तो फाइनली कार पार्क्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पे, बहुत ही पुरानी, हम आ चुके हैं जी कुठार, कुठार पैलेस भी बोलते हैं, कुठार फोर्ट भी बोलते हैं। ये सारा मेरे लेफ्ट साइड पे कुठार जगह का नाम है, गांव है, घर है लोगों के, ये भी पुराना सा कुछ है, लेकिन जो मेन एंट्रेंस है उसकी वहाँ से है। तो अब चलते हैं आपको अंदर लेके पैलेस के। कहते हैं कि 800 साल पुराना किला है कुठार, लेकिन हम आज पहुँचे हैं और बड़ी पीसफुल ही जगह पे बना हुआ है, बड़ा ही जो रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत रास्ता है। जर्नी बहुत अच्छी रही, बिल्कुल थकावट नहीं है, सड़क बहुत अच्छी थी और सुकून कह सकते हैं आप इस जगह पे, सुकून है। आप पेड़ों की हवा की आवाज़ सुन सकते हैं, पक्षियों की आवाज़ सुन सकते हैं, इतना मतलब पीसफुल है कि आप इस जगह पे आके मेडिटेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। ये मेन गेट है जी, मेन एंट्रेंस कुठार का, तो आ जाओ अंदर चलते हैं। तो दिस इज द कुठार फोर्ट, बहुत पुराना, देखभाल की हुई है इस जगह की, अनलाइक अदर फोर्ट्स जो रूंड है, लेकिन इस जगह की जो है प्रॉपर देखभाल की हुई है। जैसे कि आप ये देखेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं, देखो कितना अच्छा खूबसूरत बना रखा है, और टूरिस्ट लकड़ काट काट के डियोडार की ये बना रखा है, बहुत सही लग रहा है अभी। और फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है, देखो यहाँ पे खड़की प्रॉपर गली खुली हो रखी है और बेहद खूबसूरत। लेकिन उससे पहले आपको ब्लॉग करके पूरा दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पे लकड़ का भी काम हो रहा है अंदर ही, ये देखो मशीन वगैरह पड़ी है सब कुछ, और काटने कूटने वाला सिस्टम भी रखा हुआ है। ये पूरा व्यू है इस पैलेस का बाहर से, आउटर देखिए कितना वेल मेंटेन्ड है, द ग्रास इज ग्रीन, सो आर द गमलास कलरफुल एंड ब्राइट। और ये तब से ही है
जब से पैलेस बना था, मे बी 800 साल पुराना, और ऐसे बोला जाता है कि 800 साल पुराना है कुछ, इसका वो नहीं है प्रॉपर हिस्ट्री। ये है असली ब्यूटी, ऊपर आगे देखिए। अब आप इस आर्ट को देखेंगे, अगर इस पेंट को और इस जो ये बना हुआ है, ये आर्ट पेंटिंग्स उस टाइम की, जो ये स्ट्रक्चर है इस पे बना रखे हैं, ये उसी टाइम की है ये सब। दिस इज वेल मेंटेन्ड, दिस इज द ओनली थिंग जो पुराना है। यहाँ से तो बंद है ये, तो ये आउटर पैलेस का वो है व्यू, लेकिन एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन कर रखा है। अगर आप देखेंगे सारा, इधर भी पुरानी पुरानी दीवारें उस टाइम की जो बनी हुई हैं, पूरा ऊपर से देखेंगे आप, पूरा अगर ऊपर से देखेंगे आप, पुरानी दीवारें हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर, ये सेम स्ट्रक्चर मैंने जयपुर में देखा था, सिटी पैलेस में, और जयगढ़ फोर्ट और अमेर फोर्ट में जो ये पेंटिंग्स हैं, ये स्कल्पचर हैं जो मैंने सेम वहाँ देखे थे। तो आप कभी जाएं अमेर साइड या मेरे पुराने व्लॉग्स चेक करें तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा सारा। तो ये अंदर से आप देखिए, ये मैं आपको दिखाना रह गया थोड़ा सा ही, अंदर कुठार, ये देखिए आवाज़ भी गूंज रही है इसके अंदर, ये सब पुराना है ये देखिए, पर बेहद खूबसूरत। ये जो है ना, ये तब से ही बना हुआ है, देखो ये जो आर्ट है सब पुराना है। ये देखिए छत देखो इसकी कितनी खूबसूरत है, कुठार पैलेस 800 साल पुराना फोर्ट। ये दरवाजे बंद कर रखे हैं अभी, पता नहीं इसके उस साइड क्या है। तो ये इसका मेन गेट, इधर देखिए आप ये प्यारे प्यारे गमले, ये लकड़ काट काट के बैठने के लिए बना रखा है, और अच्छा मेंटेन कर रखा है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे इसे, ये देखिए ऊपर सेम स्ट्रक्चर, ये अभी रिसेंटली पेंट हुआ लगता है, और ये चेयर्स बना रखी हैं फॉर द पिकनिक पर्पस। यहाँ से दूसरा गेट है, ये बंद है। एक्चुअली जो मेन पैलेस है वो अंदर से लॉक्ड है, जहाँ राजा और रानी रहते थे वो इसके अंदर था। ज़्यादा बड़ा पैलेस नहीं है, लेकिन जो पैलेस जितना भी है उतना भी बहुत सफिशेंट है। वो जैसे बालकनी है ऊपर, और वो झरोके भी देख सकते हैं आप, खिड़कियाँ। इससे पहले जो आपको फोर्ट दिखाए थे वो आर्मी बेस थे, फोर्ट लड़ाई के लिए, निगरानी रखने के लिए दुश्मन के लिए, ये रहने के लिए है। ये है जी पैलेस, और इसके बिल्कुल अगर आप वहाँ देखेंगे, वो सामने वो होटल है, वहाँ पे खाने पीने को भी है और रहने के लिए भी है। वहाँ भी लेके चलूँगा आपको, थोड़ा डिटेल बताऊँगा उसके बारे में। एक होटल उधर भी है, लेकिन वो मेन होटल है, वहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, गाड़ियाँ भी पार्कड है, वहाँ से लोग फिर यहाँ आते हैं इस पैलेस को देखने के लिए, फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए। तो ये छोटा सा गार्डन का एरिया बना हुआ है, वो भी दिखा देते हैं आपको, बिल्कुल कुठार पैलेस के साइड पे ही, पैलेस के अंदर ही, पेरीफेरी में मछलियाँ हैं इसके अंदर। ये देखिए आप, बड़ी प्यारी प्यारी मछलियाँ, ऑरेंज ये वो अलग अलग कलर की। तो बड़ा वेल मेंटेन्ड है ये, आप देख सकते हैं, बैठने के लिए जगह भी बना रखी है अलग अलग। इधर देखते हैं क्या है। ये तो था कुठार का साइड वाला एरिया, अब आपको थोड़ा सा इधर भी दिखा देता हूँ जाके, जो डिजर्टेड पड़ा है, कोई है तो नहीं खैर यहाँ पे। तो ये देखिए, ये बैक साइड है पैलेस की, ये देखिए ये सारी बैक साइड, ये थोड़ी डिजर्टेड हालत में है, और ये इतना लंबा पैलेस है वहाँ से लेके उधर तक, और यहाँ से नीचे गांव है सारा। वो सामने सुबातु, उधर से ही आए हैं हम, उस रोड से। वेरी गुड प्लेस कुठार। ये है जी कुठार पैलेस की बैक साइड, और धूप अच्छी खिली हुई, आप भी आइए विज़िट कीजिए, वन डे ट्रिप है, इंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली दोस्तों किसी के साथ भी, बहुत खूबसूरत है। वो दिखाता हूँ बाकी आपको, जो होटल बना हुआ है बाहर से, और दिस इज़ ऑल, ये पैलेस है, इसके अंदर राजा रानी रहते थे, अब बंद है, लॉक्ड है, कैमराज लगे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर व्यू है आसपास, जो कि आप देख सकते हैं 360 में। बैठने के लिए भी है, जैसे आप यहाँ पे आइए इस जगह पे आके, देखो बात ये कि इस जगह को मेंटेन करके रखा है, जैसे कि यहाँ पे आके आप बैठिए, आराम से व्यू एंजॉय कीजिए, कुछ मैगी खाना है, कुछ खाना लेके आए घर से, आप पिकनिक टाइप यहाँ पे आके खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लुफ्त उठा सकते हैं इस जगह का। तो गाइज़ मैंने बहुत कोशिश की ड्रोन उड़ाने की, जगह भी ढूंढी थी यहाँ पे प्रॉपर,
लेकिन ड्रोन की जो गिम्बल है वो स्टक हो गई, उड़ ही नहीं रहा है। अभी तो क्रैश होता होता बचा है, वहाँ जाके क्रैश होने वाला था। ठीक मेरे पीछे पैलेस है, कुठार फोर्ट, नीचे गाड़ी पार्क है। तो इस वीडियो में ड्रोन शॉट्स नहीं आएंगे, उसको फिर चेक करवाना पड़ेगा, पता नहीं क्या दिक्कत आई है। गिम्बल स्टक लिखा आ रहा है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। यहाँ पे भी है कुछ, यहाँ पे देखो डिजर्टेड सा, ये अंदर से दिखाता हूँ आपको, कुछ बना हुआ है बिल्कुल पैलेस के साथ में। अगर आप आएंगे ना पैलेस की तरफ तो आप देखिए इसके अंदर पुराना सा कुछ है। ये देखिए, ये भी काफ़ी पुराना सा लग रहा है। देखो कुछ तो था ये अपने टाइम में, अंदर से आप देखेंगे अगर, डिजर्टेड सा बिल्कुल। कुठार पैलेस के साइड में ऊपर चढ़ के यहाँ से बाहर, तो यहाँ पे हम खड़े थे, यहाँ से वो पैलेस की व्यू है। यहाँ से हमने सोचा था कि ड्रोन उड़ाएंगे, लेकिन ड्रोन नहीं उड़ा। बहुत अच्छे थे ड्रोन शॉट्स आते, लेकिन किस्मत के आगे किसका बस चलता है। ये बड़ा देखो ड्रोन अभी भी, लेकिन उड़ा नहीं है। तो अब नीचे चलते हैं, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करते हैं जैसे भाई लोग कर रहे हैं। दिस इज़ कुठार पैलेस, ये होटल है, इन्हीं के पास प्रॉपर्टी है। इसके बिल्कुल साइड पे उधर देख सकते हैं आप, वो कुठार पैलेस है। और एक बात और बताना चाहता हूँ आपको मैं, इस होटल के रूम है 6000 प्लस स्टार्टिंग, और काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं इसको देख के, इस होटल में स्टे करते हैं, खाना खाते हैं, और इसके बिल्कुल साथ ही वहाँ जाते हैं फोर्ट में विज़िट करने के लिए। फोर्ट में भी 3-4 कमरे हैं, लेकिन अभी वो यूज़ में नहीं आए हैं क्योंकि वहाँ पे किचन नहीं है। जब वो यूज़ में आ जाएंगे, किचन बन जाएगी, तो वहाँ भी स्टे के लिए बन जाएगा, लेकिन अभी स्टे के लिए वहाँ है नहीं। तो ये है कुठार पैलेस, चंडीगढ़ से कुछ ही दूर पे, आप आइए विज़िट कीजिए। तो दिस इज़ द गेट कुठार पैलेस का, अब विदा लेते हैं यहाँ से। बिल्कुल इसके साथ में होटल,